गाइस वेलकम बैक टू सीएमए जंक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 13th लेक्चर है जिसमें हम अपना चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे स्टडी नोट 9 का ही पार्ट हम देख रहे हैं। पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने देखा, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी क्या है? देखिए, डिविडेंड हमारे कैश आउटले का एक मेजर पार्ट माना जाता है किसी भी कॉरपोरेशन के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे डिविडेंड्स देने पड़ते हैं अगर उन्होंने ज़्यादा अर्न किया है तो। एट फर्स्ट ग्लांस इट वुड अपीयर दैट अ कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट एज मच एज पॉसिबल टू प्लीज इट शेयर होल्डर। दो ऑप्शन आपके पास आता है, या तो आप अपने शेयर होल्डर्स को प्लीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिविडेंड्स दें, या फिर आप उनको इन्वेस्ट करें ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोग्राम्स पे, प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, तो दोनों को आपको साथ में रखना है। डिविडेंड्स भी आपको शेयर होल्डर्स को देना है और एट टाइम जब आप उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं आपको इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है। ठीक है, तो कई सारे रीजंस है जिसके लिए आपको डिविडेंड्स को पेमेंट करना पड़ता है और कई सारे ऐसे रीजंस है जिसमें आप डिविडेंड नहीं पे करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इसलिए डिविडेंड पॉलिसी आपकी कॉन्ट्रोवर्शियल है कि डिविडेंड पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब डिविडेंड्स होते क्या है और डिविडेंड्स के टाइप्स क्या है? तो डिविडेंड मतलब कैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स। जो भी आप अर्न कर रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू कैश, ये आपका डिविडेंड कहलाता है। अगर ये किसी और सोर्स के लिए आता, मतलब इट कम्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट इज कॉल्ड लिक्विडेटिंग डिविडेंड। ठीक है, मतलब अगर आप जो आपने अर्न किया है आप उससे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो डिविडेंड कहलाता है। लेकिन आपने जो अर्न नहीं किया, मतलब अलग से सोर्स ऑफ कैपिटल के थ्रू आप लेके आके फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं डिविडेंड का, तो वो आता है लिक्विडेटिंग डिविडेंड में। मेनली हमारे पास चार टाइप ऑफ डिविडेंड होते हैं। पहला होता है रेगुलर डिविडेंड। रेगुलर डिविडेंड वो होते हैं जो कि फिक्स्ड अमाउंट आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा डिविडेंड्स मतलब इनके ऊपर कभी आप एक्स्ट्रा डिविडेंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशल डिविडेंड्स स्पेशल ओकेशन स्पेशल टाइम्स पे आपको स्पेशल डिविडेंड्स प्रोवाइड किया जाता है, और स्टॉक डिविडेंड्स आपको स्टॉक के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डिविडेंड इज इम्पॉर्टेंट। क्यों डिविडेंड देना इम्पॉर्टेंट है? आपने जितना भी शेयर होल्डर्स से लिया है, ठीक है, एज समझ लीजिए शेयर होल्डर्स आपके कंपनी में पैसा क्यों लगाते हैं? वो लगाते ही हैं ताकि वो उस पर कुछ अर्न करें। ठीक है, तो अगर आप उनको उसका अर्निंग ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को आपके पास से निकाल के किसी और कंपनी में लगा देंगे। ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड एंड प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग प्लग्ड बैक फॉर री इन्वेस्टमेंट। ऑफकोर्स ये बात है, अगर आप उनको नहीं देंगे तो वो आपके कंपनी से निकाल के कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स को इम्प्रूव किया जाए ताकि आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी वैल्यू अच्छी रहे मार्केट में और लोग आपके कंपनी के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिविडेंड मॉडल्स। तो डिविडेंड के हमारे पास यहाँ पे मॉडल्स हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं विद ग्रहम एंड डॉड मॉडल। ये हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है जहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल इंक्रीज व्हेन अ कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड रेदर देन व्हेन इट डज नॉट। यहाँ पे क्या रहता है कि कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उस समय उसके मार्केट शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी, और जब वो डिक्लेयर नहीं कर रही है तब उसके शेयर की प्राइस इंक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका जो डिविडेंड है वो रिलेवेंट है फॉर फाइंडिंग आउट द प्राइस ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो क्वांटिटेटिवली ये फाइंड आउट किया जा सकता है, मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू एम डिवाइडेड सॉरी ब्रैकेट में डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 3। एम यहाँ पे आपका मल्टीप्लायर है, ई आपका अर्निंग पर शेयर है, डी डिविडेंड पर शेयर है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रहम एंड डॉन मॉडल। सिंपल है, पी इज इक्वल टू एम डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट आता है वॉल्टर मॉडल जो कि इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको जेम वॉल्टर ने फाइंड आउट किया है। इसमें की आर्ग्यूमेंट क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट दैट इज आर एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे मेन रिलेशनशिप किसके बीच में रखा गया है? रिटर्न ऑन फर्म इन्वेस्टमेंट जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो इन दैट केस फर्म को अपने अर्निंग्स को रिटेन करना चाहिए। क्या बोल रहा है समझिए, आपको समझ लीजिए आपने 1000 रुपये एज लोन में लिया है, ठीक है, और इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है 10 रुपये। ठीक है,
लेकिन ये जो लोन है उससे आपने अर्न किया, जो आपने अर्न किया ये लोन को आपने प्रोडक्शन में प्रोजेक्ट्स में लगाया और उससे आपने अर्न किया 15 रुपीज़। मतलब यहाँ पे आपका अर्निंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना आपको पे करना है। इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, इसको रिटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको आगे जाके और इन्वेस्ट करते हैं तो इससे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा सिचुएशन समझिए जहाँ पे अब समझ लीजिए ये जो है ये आपका इंटरेस्ट है, इतना आपको इंटरेस्ट पे करना है लोन पे और आप अर्न कर रहे हैं सिर्फ 10 रुपीज़। इन दैट केस आपको पेमेंट ज़्यादा कर रही है, आप अर्न कम कर रहे हैं, इसलिए क्या कीजिए कि जो भी आप अर्न कर रहे हैं आप उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज अभी भी आप उतना ही अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो आगे कैसे कर पाएंगे, इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और अगर इक्वल है, दैट इज़ आर इज़ इक्वल टू के है, जहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल है, इन दैट केस आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, उससे आपके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्वांटिटेटिवली इसको देखा जाए तो पी इज इक्वल टू डी प्लस आर बाय के ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के। डी क्या है, डिविडेंड पर शेयर, ई क्या है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये डी हमारा डिविडेंड पर शेयर ही रहेगा, आर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट एंड के है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है रिलेटेड टू वॉटलर मॉडल, ये आपको ध्यान में रखना अच्छे से। ठीक है, पी इज इक्वल टू डी प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो ये आपने जितना डिविडेंड अर्न किया और उसके ऊपर जितना आपने एक्स्ट्रा अर्न किया, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में जो भी अर्न किया वो आपका यहाँ पे शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल क्या बोल रहा है, उसमें कुछ एजम्पशंस लिए गए जो कि इसके एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसके एजम्पशंस पहले देख रहे हैं। ये जो फर्म है ऑल इक्विटी फर्म है, मतलब यहाँ पे सिर्फ इक्विटी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यहाँ पे यूज़ की जाती है, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो इक्विटी कैपिटल रहता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस बस यहाँ पे रहता है। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमारे होते हैं, आर एंड के हमारे कंस्टेंट है, आर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, के है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिटेंशन रेशियो अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो वो कंस्टेंट रहेगा और ग्रोथ रेट भी आपका कंस्टेंट रहेगा। यहाँ पे के ग्रेटर देन रहेगा बी आर, और बी आर को हम बोलते हैं ग्रोथ रेट, बी आर जो है हमारा वो ग्रोथ रेट कहलाता है। और बी आर को फाइंड आउट करने के लिए रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बी डिनोट करता है रिटेंशन रेशियो को, आर डिनोट करता है रिटर्न इन्वेस्टमेंट को। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वांटिटेटिवली इसको शो कैसे किया जाता है, पी जीरो दैट इज प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, जितना ग्रोथ हुआ है उसको आप यहाँ से डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्राइस पर शेयर निकालने के लिए आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए पर शेयर का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट निकलेगा बी आर से, दैट इज रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रिटेंशन रेशियो क्या होता है, वन माइनस पे आउट रेशियो, जितना आप डिविडेंड पे कर रहे हैं उसमें से वन माइनस कर दे तो जो बचता है वो आपका रिटेंशन रेशियो कहलाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारे पास एमएम मॉडल, जो कि है डिविडेंड इररिलेवेंसी मॉडल। सारे मॉडल्स में आपको डिविडेंड को प्रेफरेंस दिया गया है फॉर फाइंडिंग आउट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, लेकिन ये जो मॉडल है वो बोलता है कि ये डिविडेंड पे आउट पर नहीं डिपेंड करता है कि मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कैसे निकाला गया, देखिए पी जीरो इज इक्वल टू पी वन प्लस डी वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के ई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, पी जीरो मतलब प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, के ई इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डी वन इज डिविडेंड टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ वन पीरियड, पी वन इज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ वन पीरियड। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्टिंग का प्राइस भी निकाल सकते हैं, एंड प्राइस जो आपके प्राइस ऑफ शेयर्स हैं वो भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, मतलब डिविडेंड पॉलिसी जो है उसमें कुछ हम फॉर्मूलेज यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि डिविडेंड पे आउट आपको निकालने बोल रहा है तो डिविडेंड पे आउट कैसे निकलता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग्स अगर आप करें, जितना आप अर्न कर रहे हैं डिविडेंड्स आप जितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जितना आप अर्न कर रहे हैं उससे डिवाइड करें तो डिविडेंड पे आउट पता चलता है। डिविडेंड ईल्ड दैट इज डिविडेंड हमको कितना ईल्ड मिल रहा है उससे, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस। अर्निंग यील्ड निकालना है तो अर्निंग डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं डिविडेंड पॉलिसी के।
एज हमने थ्योरी पार्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक कंप्लीट किया, अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं। बस आपको ये फॉर्मूलेस ध्यान में रखने हैं, फर्स्ट है ग्रहम एंड डॉट मॉडल, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वॉल्टर मॉडल से आएंगे, पी इज इक्वल टू डी प्लस आर बाय के ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के। नेक्स्ट है पी जीरो डी वन के ई माइनस जी, ये गॉर्डन मॉडल है। नेक्स्ट एमएम मॉडल पी जीरो इज इक्वल टू पी वन प्लस जी वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के। एमएम मॉडल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही एक मॉडल है जो कि डिविडेंड इररिलेवेंसी मॉडल बोलता है, कि इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो को इतना ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, अब देखिए जहां पे पी जीरो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होता है, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल डिविडेंड, डी वन एंड ऑफ वन पीरियड पे एंड पी वन एंड ऑफ वन पीरियड पे मार्केट प्राइस। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें कुछ और आपका थ्योरी पार्ट दिया हुआ है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटेड टू क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको उसको कवर नहीं करा रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो आप उसको कवर कर सकते हैं, ईजी है वो पार्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 17। साहू एंड कंपनी है जो कि अर्न कर रही है 6 पर शेयर, कैपिटलाइजेशन रेट है 10% और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%। आपको वॉल्टर मॉडल के अंदर फाइंड आउट करना है कि प्राइस पर शेयर क्या होगा जब 30% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, क्या ये ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है क्या एज पर वॉल्टर्स मॉडल, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17। सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा वॉल्टर मॉडल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो वॉल्टर मॉडल के अंदर हमारे पास फॉर्मूला है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है अर्न 6 रुपीज पर शेयर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपको दिया हुआ है डिविडेंड, सॉरी अर्निंग आपको दिया हुआ है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, तो 6 रुपीज पर शेयर हम अर्न कर रहे हैं और कैपिटलाइजेशन रेट है 10%। अब कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है, कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यह आपको दिया हुआ है 10%, दैट इज इक्वल टू 0.10। ठीक है, तो ये दो जगह यूटिलाइज हो रहा है, एक तो के यहाँ पे है और एक के टोटल के नीचे 0.10। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शो कर दीजिए 0.20। नेक्स्ट आपको दिया है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल आपको बताना है कि प्राइस क्या होगा जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% है, मतलब 6 रुपीज आप अर्न कर रहे हैं उसमें से 30% आप पे कर रहे हैं, तो 6 का 30% दैट इज 1.8 आप पे कर रहे हैं। ठीक है, तो 1.8 हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको प्राइस पता चल जाएगी मार्केट प्राइस, तो पी इज इक्वल टू यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 102, तो मार्केट प्राइस पर शेयर हमारा 102 आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, जब आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो आपको क्या करना चाहिए, 100% रिटेन कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, हमारा यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर भी हमने इसमें से डिविडेंड दिया है, तो आप ये डिविडेंड को रिड्यूस करके अपना प्राइस ऑफ मार्केट शेयर और इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको बताना है क्या ये ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है, तो ये ऑप्टिमम पे आउट रेशियो नहीं है क्योंकि ऑप्टिमम तब होता जब आप 100% रिटेन करते क्योंकि आर इज मोर देन के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18। क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड है जिसके पास 8 लाख इक्विटी शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2005 में 8 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर है 120, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी ने डिसाइड किया है कि 6.5 पर शेयर आप एज डिविडेंड देंगे। ठीक है, 6.4 पर शेयर, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन अप्रोप्रिएट टू द रिस्क क्लास टू विच द कंपनी बिलोंग्स इज 9.6%, दैट इज ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है। ठीक है, बेस्ड ऑन एमएम अप्रोच, दैट इज एमएम अप्रोच के अंदर आपको निकालना है जिसके अंदर डिविडेंड इररिलेवेंट है। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड और व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, दोनों केसेस में आपको निकालना है,
और उसके बाद हाउ मेनी न्यू शेयर्स आर टू बी इशूड बाय द कंपनी इफ द कंपनी डिजायर्स टू फंड एन इन्वेस्टमेंट बजट ऑफ 3.20 करोड़ का वो बजट लेके आना चाहती तो उसके लिए उसको कितने नए शेयर्स इशू करना पड़ेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर एज्यूमिंग नेट इनकम फॉर द ईयर इज 1.60 करोड़. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18. सबसे पहले हमको एमएम अप्रोच से दो केस में सॉल्व करना है, जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तब और जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है तब. ठीक है, तो एमएम अप्रोच के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, एमएम अप्रोच या फिर डिविडेंड इररिलेवेंसी अप्रोच भी इसको आप बोल सकते हैं. इसमें पी जीरो इज इक्वल टू पी वन प्लस डी वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के ई हमारा फॉर्मूला होता है. पी जीरो एग्जिस्टिंग प्राइस पर शेयर है, पी वन हमारा एट द एंड ऑफ वन पीरियड, डी वन इज डिविडेंड एट द एंड ऑफ वन पीरियड, के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, तो पी जीरो दैट इज अभी आपकी प्राइस क्या है, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस आपकी क्या है. तो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस आपको बता दिया है कि करंट हमारा 120 है. ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट है हमारे पास पी वन. पी वन आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज आपका एट द एंड ऑफ एक पीरियड एंड होने के बाद क्या वैल्यू होगा, कैलकुलेट कीजिए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बोला गया है ना, तो ये आपको फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट आता है डी वन और आता है इसके बाद हमारे पास के ई. ठीक है, तो डी वन जो है वो आपका कितना दिया हुआ है कि डिविडेंड आपका रहेगा 6.4 और के ई भी हमको दिया हुआ है दैट इज 9.6%. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. अब इसके बाद फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास है जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है. फर्स्ट व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है तब हमारे पास क्या यूज किया जाएगा, तो पी जीरो इज इक्वल टू पी वन प्लस डी वन वन प्लस के ई, ये हमारा फॉर्मूला है. पी जीरो की वैल्यू 120 रहेगी, पी वन हमको फाइंड आउट करना है, डी वन दैट इज डिविडेंड डिक्लेयर किया गया तो डी वन भी अवेलेबल होगा 6.4 और 1 प्लस 9.6% दैट इज 0.096 करके आप इसको शो कर सकते हैं. ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे आएगा 120 और इसको आप इससे प्लस करें तो 1.096 आएगा. इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.096 इज इक्वल टू पी वन प्लस 6.4. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 120 इंटू 1.096 दैट इज इक्वल टू 131.52 इज इक्वल टू पी वन प्लस 6.4. तो 6.4 को भी आप उधर लेके जाएंगे तो 131.52 माइनस 6.4 इज इक्वल टू 125.12. तो P1 की वैल्यू हमको मिल गई, दैट इज P1 इज इक्वल टू 125.12. नेक्स्ट आता है जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो डिविडेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी. तो P0 P1 प्लस D1 1 प्लस KE, P0 की वैल्यू 120 है, P1 हमारे पास हमको फाइंड आउट करना है, जो आपका डिविडेंड है वो जीरो हो जाएगा, 1 प्लस 0.096. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 120 इंटू 1.096 करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 131.52 ये वैल्यू होगी हमारे P1 की. ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो. अब क्या बोल रहा है, हमको फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ न्यू शेयर्स आपको इशू कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो सिचुएशन है, पहला तो हमने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया. ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में हम निकालेंगे, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड. ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आता है नेट इनकम. तो नेट इनकम आपको कितना दिया हुआ है, दोनों केसेस में आपका नेट इनकम सेम रहेगा, दैट इज 160 एंड 160. रुपीज हम लाख में ले रहे हैं. ठीक है, अब इसमें से आप कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं उसको आप यहां से डिडक्ट कर दीजिए. तो इसमें देखिए, यहां पे दैट इज फर्स्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड में आपको पे करना पड़ेगा 6.4 पर शेयर और हमारे पास 8 लाख इक्विटी शेयर्स हैं. क्वेश्चन में आप चेक कीजिए तो हमारे पास ये हुआ 6.4 पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 8 लाख इक्विटी शेयर्स, दैट इज इक्वल टू 51,20,000. तो इसको हम कैसे शो करेंगे, 51.20. एज यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं है,
इसके बाद डिविडेंड डिडक्ट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आती है वो होता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। तो 108.80 यहाँ पे टोटल आपका रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है। अब इसके बाद कंपनी का इन्वेस्टमेंट बजट आपको दिया हुआ है कि कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कितने का, 3 करोड़ 20 लाख का। तो 320 लाख रुपीज में ही आया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको 320 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कितना अमाउंट रेस करना पड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा? एक तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, तो इतना रिटेन्ड अर्निंग से अगर इसको आप माइनस कर दें तो आपके पास जो बचेगा वो आपको अमाउंट रेस करना पड़ेगा। तो इसको नाम दे दीजिए ए बी सी एंड डी। तो अभी हम ई फाइंड आउट करने, ई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी माइनस सी। तो डी माइनस सी अगर आप करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 211.20 और यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 160, ठीक है। तो यहाँ इतना और यहाँ इतना आपको रेस करना पड़ेगा। तो रेस करने के लिए आप मार्केट प्राइस चाहिए हमको कि मार्केट प्राइस क्या रहेगी शेयर की। तो हमने फाइंड आउट किया है दोनों केसेस में मार्केट प्राइस। फर्स्ट केस दैट इज डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तब रखना 125.12 और जब आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे तब आपका रहेगा 131.52। मार्केट प्राइस पता चल गया तो नंबर ऑफ शेयर्स आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे पता चलेगा, तो ई डिवाइडेड बाय एफ करेंगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा, दैट इज 1,68,798 एंड 1,21,655। ये निकल गए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो, इजी था क्वेश्चन। यहाँ तक की चीजें हमने सिर्फ फॉर्मूला यूटिलाइज किया है और उन फॉर्मूले से उसको यूटिलाइज करके कितना अमाउंट हमको रेस करना पड़ेगा वो फाइंड आउट किया, और मार्केट प्राइस देखिए कहाँ यूटिलाइज होता है वो हमको पता चल गया और उससे हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 19। क्वेश्चन देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है सन लिमिटेड का 31 मार्च 2016 का। इक्विटी शेयर कैपिटल 80 लाख, 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल, 12% डिवेंचर एंड रिजर्व्स आपको दिए हुए हैं। सन लिमिटेड अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट 32 लाख एनुअली ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। मतलब ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ठीक है। ये आप कितना अर्न कर रहे हैं, 32 लाख, और इनकम टैक्स का रेट आपको बता दिया गया है 35%। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6% रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिया हुआ है। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स कंपनीज पे नॉर्मली ये रहता है 9.6% पे उसको रखा गया है। आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड एटलीस्ट 3 times। कैपिटल गेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है, यील्ड ऑन शेयर इज कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 5% ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सन लिमिटेड हैज बीन रेगुलरली पेइंग इक्विटी डिविडेंड ऑफ 8% का, वो इक्विटी डिविडेंड रेगुलरली पे कर रहे हैं। आपको यहाँ पे बोला गया है वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालिए, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पर इक्विटी शेयर फाइंड आउट नहीं किया गया है। यहाँ पे ये जो तीनों चीजें आपको दी गई है उनको एनालाइज किया गया और फाइंड आउट किया गया कि ये जो चीजें आपको दी गई है वो एक्चुअल में उतना है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे उनका एनालिसिस दिया है, वैल्यू पर इक्विटी शेयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है, तो उसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये हटा दीजिए यहाँ से। बाकी इनका एनालिसिस हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स, ये मैंने बताया था, ईबीआईटी दिया हुआ है आपको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स 32 लाख, जिसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले डिबेंचर्स का पेमेंट होता है। तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हम कितना पे करेंगे, 12% पे करेंगे ऑन डिबेंचर्स। तो 64 लाख डिबेंचर्स है मल्टीप्लाइड बाई 12%, दैट इज इक्वल टू 7,68,000। इससे आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें टैक्स हटा दीजिए, दैट इज 35% का आपको टैक्स हटाना है। तो 24,32,000 आपका आया, जिसका 35% आप हटाएंगे तो बचा हुआ अमाउंट आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। अब इसके ऊपर हम आप पे करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए बोला गया 40 लाख का 8%, दैट इज 3,20,000 रुपीज आप यहाँ पे करेंगे। इक्विटी डिविडेंड के लिए भी स्पेसिफाई कर दिया गया कि रेगुलरली इक्विटी डिविडेंड 8% पे किया जाता है। तो टोटल हमारे पास 80 लाख से मल्टीप्लाइड बाय 8%, दैट इज 6,40,000।
बचा हुआ जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो हो जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सबसे फर्स्ट आपको दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड एटलीस्ट 3 times, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो इसको हमने एनालाइज किया, हमने फाइंड आउट किया कि ये एक्चुअल में है कि नहीं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिविडेंड कवर हो रहा है ये बोला जा रहा है। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट क्या होता है, डिबेंचर इंटरेस्ट को हम फिक्स्ड इंटरेस्ट बोलते हैं। एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपका डिविडेंड इंटरेस्ट, डिबेंचर से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो पहले ही कट चुका है, इसलिए आपको वापस से उसमें वो ऐड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप अपना डिबेंचर इंटरेस्ट को पहले ऐड कीजिए, फिर उसके बाद उसको डिबेंचर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस इंटरेस्ट से डिवाइड कीजिए, ताकि आप एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर पाएं कि कितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है डिबेंचर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कितना है, 15,80,800 प्लस डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है, 7,68,000 डिवाइडेड बाय डिबेंचर इंटरेस्ट इज 7,68,000 प्लस हमारा प्रेफरेंस इंटरेस्ट है 3,20,000, ठीक है। प्रेफरेंस इंटरेस्ट यह हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, आप इसको टोटल कर लीजिए, ये आपके अमाउंट्स आ गए, तो आपका आया 2.16 times। मतलब आपका जो इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड का कवरेज है वो प्रॉफिट के अंदर 2.16 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब प्रॉफिट आपका जो आ रहा है वो आपके इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिविडेंड से 2.16 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, यहाँ पे बोला गया था 3 times, एटलीस्ट 3 times, लेकिन वो एक्चुअल में कितना आ रहा है, 2.16 times। नेक्स्ट है कैपिटल गेयरिंग रेशियो। कैपिटल गेयरिंग रेशियो क्या होता है, इसमें आप फाइंड आउट करते हैं ऐसे इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के बीच में आप यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं। तो कैपिटल गेयरिंग रेशियो इज फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स कौन से हैं, प्रेफरेंशियल कैपिटल और डिबेंचर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो हमारे पास प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है, 40 lakh, डिबेंचर्स कितने हैं, 64 lakh, इक्विटी शेयर कैपिटल है 80 lakh और रिजर्व है 32 lakh। तो उसको टोटल करके हमने ये फाइंड आउट किया तो ये आया 0.93 times, लेकिन यहाँ पे इसको क्या लिया गया है, यहाँ पे इसको 0.75 बोला गया है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें चेंज आया। नेक्स्ट बोला गया है यील्ड ऑन शेयर इज कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूट कौन सा किया आपने, प्रॉफिट इक्विटी डिविडेंड को जो किया 6,40,000 का, इसका 50% लेंगे आप और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दैट इज रिटेन्ड अर्निंग का 5%। 6,40,000 का 50% एंड 6,20,800 का 5%, तो इससे आ जाएगा यील्ड ऑन इक्विटी शेयर। अब ये जो यील्ड है उसको परसेंटेज वाइज देखना है आपको, हमने शेयर पे यील्ड इतना लिया 3,51,040 का हमारा यील्ड हुआ है और इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारा 80 lakh, ठीक है। तो इसमें से आप यील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 4.39% और 4.388%, ठीक है। हमको यहाँ पे वैल्यू पर इक्विटी शेयर फाइंड आउट करने बोला था, पर वो हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि अगर एक हमारे पास इक्विटी शेयर है तो उसमें आपको कितना यील्ड मिलेगा, ठीक है। हर इक्विटी शेयर पे आपको 4.388 या फिर 4.39% का यील्ड मिलेगा। सिमिलरली अगर इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखें तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला थोड़ा अलग यूटिलाइज किया गया है। अगर आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड फाइंड आउट कर रहा है तो फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डिविडेंड के हिसाब से ये फाइंड आउट कर रहा है, तो फॉर्मूला आपका कुछ नया यूटिलाइज किया गया। बस इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है और ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके बाद, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 25। अगर आप देखें तो इजी है ये क्वेश्चन, खुद से ट्राई कीजिएगा, इजी है। इसमें आपको क्या कर रहा है, बस वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला यूटिलाइज किया है और अगर आप देखें तो यहाँ पे आर दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.1 है और हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, 0.08। एज आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इक्विटी से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, इसलिए आपको क्या करना चाहिए था, पूरा अमाउंट आपको रिटेन करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया है, डिविडेंड दिया है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आप डिविडेंड हटा देना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। क्योंकि हमने देखा था जब आर ग्रेटर देन हो के से, तब आपको पूरा अमाउंट रिटेन कर लेना चाहिए, ठीक है,
पूरा अमाउंट रिटेन कर लेना चाहिए और 0% पे आउट रखना चाहिए, मतलब डिविडेंड आपका 0% होना चाहिए। तो फर्स्ट में ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी ये होती, पर आपने ये लगाया है, ठीक है। फिर आपको बोला गया है व्हाट शुड बी द पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। पी रेशियो क्या होना चाहिए? तो पी रेशियो अगर आपका, अभी आपका पी रेशियो कितना दिया हुआ है? 12.5 दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप पी रेशियो के बेसिस में निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए, अगर आपका पी रेशियो दिया है 10, ठीक है, इन दैट केस आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो 0.1 मतलब ये हो गया हमारा 10%। तो आपका अगर पी 10 है, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% होगा, और इससे ये मैच करेगा विथ आर जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न भी आपका 10% है, हमने यहाँ पे देखा 0.1 है, आप उसको फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न भी 0.1 है और हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 0.1 है, तब आपका वो रहेगा कि एट दैट पॉइंट नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर, क्योंकि जब आर इज इक्वल टू के होता है तब आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, भले ही आप उसको रिटेन करें या दे दें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पूछा है विल योर डिसीजन चेंज इफ द पीई रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5, पी रेशियो 8 हो जाए 12.5 की जगह तो क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो वो आप सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लेवरेज एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।